तो आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप जानते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो इम्पोर्टेंस जो है वो दो तरीके से होता है। एक तो इस तरीके से होता है कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आगे कई सारे चैप्टर्स में यूज में होने वाले हैं, है ना, यूज में आएंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंस इसलिए है, आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो अप्लायंसेज होते हैं, टीवी है, फ्रिज है ना, हर चीज़ जो है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सबके लिए जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है ना। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी तक हम लोग कई सारे करंट के बारे में जानते हैं। जैसे पानी बहता है ना, तो लोग कहते हैं कि पानी की धारा बह रही है ना। करंट का हिंदी जो है वो धारा होता है। तो यहाँ पर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं करंट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वाटर करंट होता है, विंड करंट होता है, हवा भी बहता है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी एक तरह से धारा है। पानी बहता है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी एक धारा है। और हम जिस करंट की बात कर रहे हैं, हम जिस धारा की बात कर रहे हैं, उसमें चार्ज फ्लो करता है, और इसलिए उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक। तो तीन तरह की धाराएं होती हैं। एक तो होता है विंड करंट। विंड करंट में हवा बहता है, विंड किधर फ्लो करता है, विंड फ्लो करता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इट फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है। जैसे यहां पर हाई प्रेशर होने का मतलब यहां पर मॉलिक्यूल्स जो है गैस के या एयर के बहुत ही ज्यादा है, और एक जगह पर लो प्रेशर होने का मतलब वहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो डेंसिटी है बहुत ही कम है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर। तो हवा जो है, जो एयर है, वो किधर फ्लो करेगा, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, है ना। इस तरह से विंड फ्लो करता है या विंड करंट फ्लो करता है। दूसरा होता है वाटर करंट। तो वाटर करंट में देखेंगे, मैंने एक डायग्राम बनाया है पाइप का। तो इस पाइप में वाटर कैसे फ्लो करेगा, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो ऊपर अगर वाटर रहता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, नीचे अगर वाटर आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। तो वाटर हमेशा हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ भागता है। तो इसमें कहते हैं वाटर करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी लेवल टू लो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में पोटेंशियल से रिलेटेड होता है। पोटेंशियल ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो वहां पर एक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से ही रिलेटेड है, ऐसा आप समझ सकते हैं अभी। हालांकि आगे जाकर बहुत डिटेल हम समझते हैं, तो अभी उतनी तरह अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। अभी केवल इतना हम समझेंगे कि अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जैसे चौक है, चौक को मैं ऊपर से नीचे ड्रॉप करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल हमेशा इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो चौक को यहाँ रखूंगा तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। यहां पर पोटेंशियल कम है, लो पोटेंशियल है, तो इस चौक यहां रखूंगा तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो पोटेंशियल जो है स्पेस में किसी पॉइंट के होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है, इस ऑब्जेक्ट का, जैसे चौक है ना। तो ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल मैं कह रहा हूं कि ज्यादा है, यहां पर पोटेंशियल कम है। तो इस चौक को ले जाऊंगा यहां पर, तो चौक की पोटेंशियल एनर्जी यहां ज्यादा आएगी, यहां पर कम आएगी। इसके और नीचे जाऊंगा तो नीचे वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल और भी कम है। तो चौक को नीचे ले जाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और भी कम हो जाएगी। तो ऐसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से रिलेटेड है। जहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो वाटर करंट हमेशा हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फ्लो करता है। तो कह सकते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है ना। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, फिर समझेंगे कि किधर फ्लो करता है ना, फिर उसकी वैल्यू कितनी होती है, सारी चीजें हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले जैसे मैंने कहा कि विंड करंट में विंड ब्लो होता है, हवा बहता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो होते हैं,
वाटर करंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लो होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज फ्लो होते हैं, है ना। लिखा है इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज फ्लो करते हैं। अब जैसे कोई कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, तो एक्चुअली में कंडक्टर है तो इसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है। करंट कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि इसमें चार्जेज फ्लो करेंगे इधर ऐसे, तो जब चार्ज फ्लो करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा। अब जो है करंट की वैल्यू कैसे पता करते हैं, तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब होता है टाइम रेट, यानी कि पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम लोग करंट कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। क्यू क्या है, टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया। जैसे मैं कहता हूं ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन है ना, तो चार्ज यहां से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन को एक सेकेंड में कितने चार्जेज पार किए, है ना। एक सेकेंड में जितने चार्जेज पार करेंगे उसको हम लोग करंट कहते हैं। मैंने मान लिया कि क्यू चार्ज जो है वो टी टाइम में पार किया, यहां से ये क्यू चार्ज टी टाइम में यहां से पार किया है, तो एक सेकेंड में कितना पार किया होगा, टोटल चार्ज बाय टाइम इंटरवल, तो ये हो जाएगा एक सेकेंड में कितना चार्ज पार किया वो है करंट। यहां पर लिखा है मेजर एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट हमेशा यहां पर टाइम रेट से मतलब है कि यानी कि पर सेकेंड पूछा गया है कि एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, वो हो गया करंट। यहां पर लिखा भी है क्यू इज चार्ज फ्लोन इन टाइम इंटरवल टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। ये ध्यान रखना है कि जैसे हवा है, एयर है, वो तो कहीं भी स्पेस में बह सकता है, पानी है, पानी कहीं भी बह सकता है, लेकिन जो चार्ज है चार्ज हर जगह फ्लो नहीं हो सकता। तो चार्ज को फ्लो होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं और कंडक्टर के अंदर चार्जेज फ्लो करते हैं, है ना। तो कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे, तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया वो हो गया करंट। उसे तो कोई भी क्रॉस सेक्शन लेंगे, हर क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में उतना ही चार्ज फ्लो करता है, यानी जो करंट यहां पर आएगा वही करंट यहां भी आएगा, ठीक। तो ये तो हो गया कि चार्ज का डिफिनीशन क्या है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये होता है करंट। करंट का ये डिफिनीशन हो गया। अब करंट फ्लो किधर करता है, इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो इसके बारे में यहां पर हमने बताया है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आयंस भी हो सकते हैं पॉजिटिव आयंस, और अपोजिट टू फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और निगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई कंडक्टर है ना, तो इस कंडक्टर में हम लोग जो करंट की बात करते हैं, जो कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है उसमें केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, है ना। जैसे ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है किसी कंडक्टर में उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी अपरेटस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं टॉर्च में, सेल होते हैं, तो सेल के अंदर आयंस मूव करते हैं, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस, है ना। तो उसमें बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव आयन, और निगेटिव चार्ज ही फ्लो कर रहा है यानी निगेटिव आयन ही फ्लो कर रहा है। लेकिन हम लोग यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जनरली बात करेंगे कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी, तो कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ये कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होगा कि इस कंडक्टर में अगर मैं कह दूं कि यहां पर हाई पोटेंशियल है ना, यहां पर लो पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक करंट भी जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल है तो इसमें करंट फ्लो करेगा इधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, है ना। और करंट इधर फ्लो करेगा तो जैसा कि यहां बताया गया, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन उल्टा चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है,
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता तो वह हाई से लो की तरफ जाता, पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की तरफ जाता है ना। हालांकि इसमें फ्लो नहीं करता, फिर भी मैं दिखा देता हूं, पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो करता तो इधर फ्लो करता, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन माना जाता है, या अगर इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिव चार्ज है तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, जो निगेटिव चार्ज का मोशन, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट माना जाता है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे डिसाइड करेंगे। अगर हमें करंट का यूनिट पता करना हो, वैसे तो आपको पता होगा यूनिट ऑफ करंट, लेकिन यहां से फाइंड करेंगे जो फॉर्मूला मैंने बताया। करंट का फॉर्मूला क्या बताया? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ऐसा यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर इसका यूनिट लिखेंगे चार्ज बाई टाइम, यानी कूलम्ब पर सेकेंड, और इसी को एम्पियर भी कहा जाता है ना। तो करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर में होता है। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो जैसा कि अभी मैंने यहां पर बताया है ना, और इधर क्या बताया था, इधर बताया था मैंने कि विंड करंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ फ्लो करता है, वाटर करंट हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फ्लो करता है, और यहां बताया अभी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ फ्लो करता है। वही चीज यहां पर मैंने बताया है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने बताया कि पोटेंशियल दो तरह के होते हैं। अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, जैसे वाटर करंट के केस में बात कर रहे थे, तो वाटर करंट के केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, जबकि इलेक्ट्रिक करंट के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। ये वाली पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है जो ग्रेविटेशन और पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं, ठीक। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है फिर से 12th चैप्टर में है ना। तो अभी हमें केवल इतना जानना है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और जहां पर पोटेंशियल ज्यादा होता वहां पर ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया कि हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो यह भी कहा जा सकता है कि यह भी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फ्लो करता है ना। तो ये जो तीनों करंट हैं, विंड करंट या वाटर करंट या इलेक्ट्रिक करंट, वहां से हमने ये सीखा कि कोई भी जो फ्लो हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं सिस्टम में, चाहे वाटर फ्लो कर रहा हो, चाहे गैस के मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हों, या चार्ज फ्लो कर रहे हों, वो अपनी एनर्जी को घटाने के लिए फ्लो कर रहे हैं, है ना। उनके पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक। तो वो फ्लो किधर कर रहे हैं? हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो कर रहे हैं, ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके, है ना। इनफैक्ट यूनिवर्स में हर एक्टिविटी जो है वो इसीलिए चलती रहती है, अगर अपने आप नेचुरली चल रही हो तो इसीलिए चलती है कि अपनी एनर्जी को घटाना है। क्यों? जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कि जैसे पानी है ना, पानी को आप छोड़ेंगे तो हमेशा गड्ढे में क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि गड्ढे में जाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है ना। और अगर हम बात करें किसी लिक्विड ड्रॉप की, तो लिक्विड ड्रॉप जो है हमेशा स्फेरिकल शेप क्यों गेन कर लेता है? क्योंकि स्फेरिकल शेप में उसकी एनर्जी मिनिमम होती है ना। लिक्विड की अपनी एक सरफेस एनर्जी होती है जो उसके सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक। तो गिवन वॉल्यूम के लिए, अगर किसी लिक्विड का एक वॉल्यूम दे दिया जाए, तो उतने ही वॉल्यूम का अगर आप एक क्यूब बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे, एक स्फेयर बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि तीनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन सरफेस एरिया स्फेयर का कम आएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि चूंकि स्फेरिकल शेप में सरफेस एरिया कम होता है तो सरफेस एनर्जी कम हो जाता है। सरफेस एनर्जी कम हो जाएगा तो उसकी एनर्जी जो है लिक्विड ड्रॉप की कम हो जाएगी, और इसीलिए जो है कह सकते हैं कि जो लिक्विड ड्रॉप है हमेशा स्फेरिकल शेप गेन कर लेता है। इसका मतलब यह है कि हर एक्टिविटी जो है अपनी एनर्जी को कम करने के लिए होती है। एनर्जी कम होने से क्या होता है? सिस्टम स्टेबल होता है।
तो स्टेबिलिटी की तरफ हर कोई जाना चाहता है और स्टेबिलिटी के लिए ही एक्टिविटी यहाँ पर होती रहती है। तो बिल्कुल वही केस जो है यहाँ पर अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक करंट के केस में। यहाँ पर जो करंट है वो हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ भागता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अगर हाई और लो नहीं हो, दोनों जगह पोटेंशियल बराबर हो, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। मतलब यह है कि करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी तो एक तरफ से दूसरी तरफ करंट जाएगा, है ना। और इसीलिए कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, यहां पर लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर करंट टू फ्लो। दो एंड्स के बीच में, जैसे कोई कंडक्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो कराना हो तो उसके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। वो पोटेंशियल डिफरेंस आता कहां से है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी से आता है। आप देखेंगे कि हम लोग बैटरी जोड़ते हैं, कोई ना कोई सोर्स जोड़ते हैं, तब जाकर के करंट फ्लो करता है। तो वो सोर्स क्या करता है, वो बैटरी क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। जब हाई एक तरफ लो क्रिएट कर देगा तो चार्ज फ्लो करने लगेगा, है ना, और साथ में सर्किट भी कंप्लीट कर देता है। सर्किट का मतलब ये हुआ कि एक क्लोज लूप बन गया है, एक ऐसा रास्ता मिल गया है इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए जो कहीं पर टूटा हुआ नहीं है, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, जो चार्ज है, वो कंडक्टर में ही घूम सकता है, तो उसको घूमने के लिए रास्ता चाहिए, हवा से होकर जाएगा नहीं तो इसलिए हमेशा एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा हमें, तब जाकर के करंट फ्लो करेगा। तो उस क्लोज लूप में बैटरी होगा, कोई रजिस्टर होगा, है ना, कैपेसिटर, इंडक्टर, स्विचेज होते हैं, है ना, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, कई सारी चीजें हम लोग जोड़ते हैं उसमें, है ना। तो ये इनको सबको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स जो है उस सर्किट के अंदर होते हैं, और सर्किट क्या है, वही क्लोज लूप एक बनना है। ऐसे सारे एलिमेंट्स उसी में जुड़े होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन एक जो है कहीं भी उसमें जो है वो कट नहीं होना चाहिए, पॉइंट टूटना नहीं चाहिए, कनेक्शन हमेशा बने रहना चाहिए, तब जाके उसमें करंट या चार्ज जो है लगातार कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा। तो वो हो गया सर्किट के बारे में, है ना। तो हमने कहा कि करंट को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम कौन करता है? बैटरी। जैसे ये कंडक्टर है, यहां पर मैं बैटरी जोड़ दूंगा ऐसे, है ना, ये बैटरी का सिंबल है, आगे हम लोग सिंबल के बारे में भी सीखेंगे। जैसे ये बैटरी है, तो बैटरी का ये पॉजिटिव प्लेट होता है यानी हायर पोटेंशियल माना जाता है, बैटरी का ये निगेटिव प्लेट है यानी कि लोअर पोटेंशियल माना जाता है। तो लोअर वाले को यहां पर जोड़ दिया तो यहां का पोटेंशियल लो हो जाएगा, हाई वाले को यहां पर जोड़ दिया पॉजिटिव प्लेट को तो इसका पोटेंशियल हाई हो जाएगा। तो बैटरी का यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमेशा फिक्स्ड रहता है, और इसीलिए ये हमेशा यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड क्रिएट करके रखेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रहेगा तो चार्ज फ्लो करते रहेंगे पूरे लूप में, है ना, ऐसे घूमते रहेंगे। तो अब हम लोगों को ये जानना होगा कि एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी दो पॉइंट दे दिए, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करेंगे, है ना। अगर मैं कहता हूं कि ये एक पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन, या कहें कि उसका जो वैल्यू है कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए डिफिनीशन यहां बताया है। ये बताया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क रिक्वायर्ड टू मूव वन कूलम्ब चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। मतलब इन दोनों पॉइंट्स में से जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वन कूलम चार्ज को ले जाने में हम जितना वर्क करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी होती है, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी उसको वी से लिखते हैं, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हम जितना वर्क करेंगे एक कूलम चार्ज को ले जाने में, वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका यूनिट होता है, देखेंगे यहां से, वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट जूल पर कूलम भी कह सकते हैं, और इसी को वोल्ट भी कहा जाता है ना।
तो हम लोग जो बोलते हैं ना वोल्टेज या वोल्ट, वो वोल्ट क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताता है। ठीक, तो ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, किस तरह से करंट फ्लो करता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें आगे हम लोग सीखेंगे।